आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज सातवां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें।